अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम लोग स्टार्ट करने लगे पीडियाट्रिक्स, जो कि जिस यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वो है न्यूनेटोलॉजी। द रीजन इज कि अगर आपकी पीडियाट्रिक्स में कोई चीज बहुत ज्यादा डिफरेंट है फ्रॉम द नॉर्मल मेडिसिन तो वो न्यूनेटोलॉजी है, ठीक है। इस पे आपने ध्यान देना होता है। और ये भी अगर मैं बात करूँ ना, मतलब आप जाहिर है आई रिकमेंड यू कि आप परवेज अकबर को फॉलो करें, वो बहुत अच्छी बुक इन दैट सेंस है कि उसमें काफी कुछ लिखा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा है करने के लिए। मतलब आप फाइनल ईयर में होंगे तो आप मेडिसिन सर्जरी बाकी सब भी करेंगे, तो पूरी परवेज अकबर करना कर भी लेते हैं लोग, मतलब कर सकते हैं तो दैट्स गुड। लेकिन मैं कहूंगी कि ज्यादा अच्छे मार्क्स आ सकते हैं आपके अगर आप वो चीजें करें जो उसमें से आती हैं, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा भी बहुत लिखा हुआ है। तो न्यूनेटोलॉजी की बात ये, तो अगर आपके पास टाइम है तो न्यूनेटोलॉजी पूरी पढ़ लें, ये अच्छी चीज है। मतलब आपके इसमें से एमसीक्यू भी आते हैं, लेकिन अगर इसमें भी स्पेसिफाई करना है आपने खुद को, तो इसके भी जो टॉपिक्स मैं कराऊंगी वो जितने वो वाले जो टॉपिक्स हैं आता उन्हीं में से है तकरीबन 99%, ठीक है। फिर जाहिर है रेयर चांसेस तो हमेशा होते हैं कि और से आ सकते हैं। तो न्यूनेटोलॉजी की मैं बात कर रही हूँ कि मैं ये भी आपको पूरी की पूरी नहीं कराऊंगी, क्योंकि इसमें से भी बहुत ही सिलेक्टेड सी चार पांच चीजें आती है, लेकिन मैं चलो मैक्सिमम जितना आता है वो करा दूंगी, ताकि हम बाकी चीजों में से भी जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो चीजें कर ले, ताकि एटलीस्ट मेरे पास जो इंशाल्लाह आपके पास वीडियोस आ जाएंगी ये इतनी होंगी कि अगर आप हाली इनसे करें तो आपको पेपर आराम से पास हो जाए, कि ज्यादा चीजें रिपीट हो रही होती है। तो कहानी कुछ शो है जी, न्यूरोनेटोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो पहले हम थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशंस देखें, देन हमारा जो पहले इसमें टॉपिक होगा वो होगा न्यूनेटल रिससिटेशन का। तो न्यूरोनेटोलॉजी के लिए न्यूनेटल पीरियड होता क्या ये पता होना जरूरी है। तो आफ्टर बर्थ टू फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ जो होते हैं, ठीक है, डोंट से वन मंथ। बहुत बड़ा ब्लंडर होता है, कहते हैं बच्चे वन मंथ, यार दैट्स फाइन, कोई गलत बात नहीं है उसमें, मतलब 28 डेज इज ऑलमोस्ट इक्वल टू अ मंथ। लेकिन जो डेफिनेशन की बात आती है ना, तो फिर वो एग्जामिनर आपसे सुनना चाह रहा होता है या फिर देखना चाह रहा होता है पेपर में एग्जैक्ट वही चीज जो कि रिक्वायर्ड है। तो इट इज द बर्थ के बाद जो फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ होते हैं उसको आप कहते हैं न्योनेटल पीरियड, जिसमें भी अर्ली न्योनेटल और लेट न्योनेटल होता है, ठीक है। अर्ली न्योनेटल का मतलब है कि बर्थ से लेकर जो 7 डेज ऑफ लाइफ है, यानी फर्स्ट 7 डेज यानी पहला हफ्ता जो बच्चे का होगा वो अर्ली न्योनेटल होता है, एंड लेट न्योनेटल इज फ्रॉम 8 टू 28 डेज ऑफ लाइफ, ठीक हो गया। ये तो भूलना ही नहीं है, मतलब ये तो फिंगर टिप्स होने वाली बातें हैं। फिर पेरीनेटल पीरियड, पेरीनेटल का मतलब नाम से पता चल रहा है कि जो डिलीवरी के अराउंड अराउंड पीरियड होगा, तो इट इज एक्चुअली फ्रॉम 28 वीक ऑफ गेस्टेशन, 28th वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी जो फीमेल की प्रेगनेंसी का 28th वीक होगा, अभी फिटस बॉर्न नहीं हुआ, तब से लेकर इट इज अप टू बर्थ के 7th डे तक, ठीक है, 7th डे ऑफ लाइफ तक। 28th वीक ऑफ गेस्टेशन से 7th डे ऑफ लाइफ या 7th डे ऑफ पोस्ट नेटल एज को इसको पेरीनेटल कहते हैं। तो इसमें आपका नेटल पीरियड भी शामिल हो जाता है, थोड़ा सा नेटल से पहले वाला भी शामिल हो जाता है, और थोड़ा सा नेटल के बाद वाला भी शामिल, इसलिए इसको पेरी कहते हैं। अच्छा, प्री नेटल पीरियड है, नाम से पता चल रहा है कि जाहिर है जो नेटल से यानी डिलीवरी से पहले हुआ, तो ये वाला जो पीरियड है ये है 28th वीक ऑफ गेस्टेशन से लेकर बर्थ तक, मतलब बर्थ पे आके खत्म हो जाएगा। एंड पोस्ट नेटल इज सेम एज न्योनेटल के बर्थ से लेकर 28 डेज तक, ठीक है। और आप सबको पता है इन्फेंट वो होता है जो कि एक साल से छोटा बच्चा होता है, तो यही मेन चीज है। इसी की मोर्टेलिटी आ जाती है, जब आप पूछते हैं कि न्योनेटल मोर्टेलिटी क्या है, तो जाहिर है मोर्टेलिटी ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज ऑफ लाइफ इज न्योनेटल मोर्टेलिटी, तो इसलिए आपने इसको खुद से कर लेना है। अच्छा, इसमें जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है न्योनेटल रिससिटेशन का। आप देखेंगे तो चैप्टर में पहले उन्होंने थोड़ी सी लिखा हुआ कि हिस्ट्री हमने कैसे लेनी है एक न्योनेट की, तो इट इज तकरीबन 90% सिमिलर टू एज जो आपकी हिस्ट्री होती है एक जनरली हमने पढ़ ली है उसकी पीट्स की हिस्ट्री, थोड़ी सी एक दो चीजें डिफरेंट है, तो इस वजह से आप चाहे तो देख लें, लेकिन कोई ऐसी मुश्किल बात उसमें नहीं है। तो न्यूनेटल रिससिटेशन आपके पास क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आता होता है, ठीक है। इसका आपके पास आ जाएगा कि आपको प्रेजेंट किए एक फीमेल विद अ बच्चा, या प्रेजेंट क्या किया, वो आप कहेंगे कि एक डिलीवरी हुई है जिसमें बच्चा जो था उसने डिस्ट्रेस में था, मेकोनियम भी शायद पास किया था, नहीं किया था, नहीं वो कहते मेकोनियम नहीं किया हुआ था, और जब पैदा हुआ तो उसने फॉरन क्राई नहीं की, तो आप बताएंगे कि व्हाट स्टेप्स विल यू फॉलो आफ्टर इमीडिएट बर्थ ऑफ द सच अ चाइल्ड, मतलब इस तरह का कोई सिनेरियो हो जाता है इसमें, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो न्यूनेटल रिससिटेशन का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है, मतलब पहले तो बताऊं ना मैं क्या, न्यूनेट का मतलब है कि वो बच्चा जो 28 दिन का होगा, और मतलब बर्थ के बाद से 28 दिन का बच्चा न्यूनेट है। एंड रिससिटेशन का मतलब है कि हमने उसको ऐसा मेजर्स करने हैं जो कि उसके लिए लाइफ सेविंग साबित होंगे फॉर न्यूनेट। तो इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो न्यूनेटल रिससिटेशन कहते हैं, तो हम ये कि न्यूनेट 28वें दिन तक का बच्चा होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इसका काम होता है वो लेबर रूम में होता है जस्ट आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। तो इट इज बेसिकली न्यू बॉर्न के बारे में बात करेंगे तो इट मेक्स द रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी ट्रांजिशन मोर इफेक्टिव एंड रैपिड, क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चा इनसाइड द मदर्स वूम होता है, इन यूट्रो होता है, उसके लंग्स भी कोलैप्स हैं और उसके सर्कुलेटरी सिस्टम भी अभी वैसा एस्टेब्लिश नहीं है जैसे एडल्ट्स का होता है, क्योंकि उसमें पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस होता है उस वक्त,
उस वक्त उसके हार्ट में दिल में सुराख जिसको हम कहते हैं बाद में रह जाए तो फोरामेन ओवेल होता है, ठीक है। अब ये दोनों चीजें उसके सर्कुलेटरी सिस्टम में से बंद होनी होती हैं। कब बंद होगी? जब वो सांस लेगा, जैसे बाहर आएगा सांस लेगा, लंग्स एक्सपैंड करेंगे, लंग्स एक्सपैंड करेंगे तो सारी की सारी सर्कुलेशन, पहले तो लंग्स की तरफ कोई ब्लड नहीं आ रहा था क्योंकि लंग्स कोलैप्स थे। अब जब लंग्स एक्सपैंड करेंगे उनमें एयर आएगी तो सारी सर्कुलेशन लंग्स की तरफ आएगी। लंग्स की तरफ जब सर्कुलेशन आएगी उसकी वजह से क्या होगा कि आपके लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर इंक्रीज होगा। लेफ्ट एट्रियम में जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो फोरामेन ओवेल बंद हो जाते हैं। उस फोरामेन ओवेल के बंद होने की वजह से दोनों रास्ते अपने अपने हो जाते हैं, डक्टस आर्टेरियोसस बंद हो जाता है कुछ अरसे में, ठीक है। तो फोरामेन ओवेल का उस वक्त फौरन बंद होना जरूरी होता है, अदरवाइज अगर, और ये सारी चीजें किस चीज पर डिपेंडेंट है कि सबसे पहले जब बच्चा आए बाहर तो वो सांस ले, अपनी एफर्ट शो करे, रेस्पिरेटरी एफर्ट शो करे, अगर वो नहीं होगी तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने करनी होती है, अभी बात जितनी हम करेंगे वो सारी की सारी होगी न्यू बॉर्न की केयर की, ठीक है। न्यूनेटल रिसेसिटेशन में सबसे चीजें हम पढ़ते हैं वो न्यू बॉर्न की केयर होती है कि किस तरह से हमने उसको रिसेसिटेट करना है। अच्छा, ये तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले एक दो टर्म्स की और फिर हम देखते हैं कि एक और दो टर्म्स क्या होती है। तो आपको पता है कि आपसे बहुत ज्यादा पूछते होते हैं ना वाइवा में एक और डेफिनेशन, ये एस्फिक्सिया क्या है, हाइपोक्सिया क्या है, ठीक है, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक लफ्ज सुनना होता है। तो एस्फिक्सिया इज डिक्रीज इन द ऑक्सीजनेशन इन द ब्लड, ठीक है। और वो डिक्रीज इन द ऑक्सीजनेशन क्यों होगी, मेनली होती है ड्यू टू एनी जो मैकेनिकल डिफॉर्मिटी इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब मैकेनिकल इन दैट सेंस कि या तो लंग्स रेस्पिरेटरी एफर्ट अच्छी शो नहीं कर रहे जिसकी वजह से ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही, या फिर कोई ऊपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको जो सिंपली डिक्रीज इन ऑक्सीजनेशन होता है वो एस्फिक्सिया होता है, ठीक है। एंड देन व्हेन दिस जो आपका टिश्यूज है जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता, ठीक है। अब टिश्यूज को ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल सकता, टिश्यूज से मुराद मेरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स और सारे एरियाज है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं ये हार्ट है और हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ठीक है। अब हार्ट को ऑक्सीजन दो रीजन से नहीं मिल सकता, या तो ये हो सकता है कि ब्लड इसके पास बिल्कुल ठीक आ रहा है, मतलब इसकी ब्लड वेस्कुलर सप्लाई बिल्कुल ठीक है, लेकिन ब्लड के जो ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेटेड नहीं है, ठीक है। ब्लड हार्ट के पास आ रहा है लेकिन वो ऑक्सीजनेटेड नहीं है इतना। अब वो द नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन ऑफ द ब्लड शुड बी 98% या इसके अराउंड होनी चाहिए। अगर वो 90 से कम है तो डेफिनेटली बात है कि हार्ट को लगेगा कि भाई सही से ऑक्सीजन मुझे नहीं मिल रहा, और इसको इसमें जो टिश्यू लेवल पे उस ऑक्सीजन डेप्रिवेशन होगी वो हाइपोक्सिया होता है। फिर दूसरी तरह हाइपोक्सिया इस तरह से हो सकता है कि ब्लड में ऑक्सीजन सेचुरेशन ठीक थी लेकिन ब्लड वेसल्स जो है वो जो हार्ट की तरफ आई थी वो ब्लड ला ही नहीं रही, मतलब रास्ते में कोई मसला हो गया। हो सकता है इस वेसल में कॉन्स्ट्रिक्शन होगी जो हार्ट की तरफ आई थी, या फिर टोटल ही ब्लड जो है वो पंप नहीं हो रहा पूरी बॉडी में। बेशक उसमें ऑक्सीजन ठीक है लेकिन बॉडी में पंप होगा तो सारे टिश्यूज को मिलेगा ना, सही से पंप ही नहीं हो रहा तो टिश्यूज के क्या मिलेगा। तो ऐसे में भी जो टिश्यू होता है वो डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसको भी हाइपोक्सिया कहते हैं। तो हाइपोक्सिया दोनों वजह से हो सकती है, या तो इस्कीमिया हाइपोक्सिया कर रहे, ठीक है, उसको हम कहते हैं हाइपोक्सिक इस्कीमिक एन्केफेलोपैथी, जो ब्रेन पे असर होता है कि इस्कीमिया था यानी ब्लड सप्लाई डिक्रीज थी जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिला ब्रेन को और एन्केफेलोपैथी हो गई। या दूसरी बात हो सकती है हाइपोक्सिया ड्यू टू एस्फिक्सिया, ठीक है, मतलब ये कि लंग्स ने ऑक्सीजनेशन ही ठीक नहीं की ब्लड की जिसकी वजह से हाइपोक्सिया हो गया पेशेंट को। तो दोनों कॉसेस हो सकती हैं। तो ये आपसे अक्सर पूछते हैं। तो न्योनेटल रिसेसिटेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्योनेट्स में दोनों ही कॉसेज इम्पोर्टेंट है। अगर बच्चा जैसे ही पैदा होगा और उस टाइम वो फौरन से सही से जोरदार किराए नहीं करेगा, जोरदार तरीके से नहीं रोएगा, उसके लंग्स सही से एक्सपैंड नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। एक तो ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड नहीं सही से होगी, वो तो अलग बात है, ठीक है, ऑक्सीजनेशन ठीक नहीं है तो एस्फिक्सिया होगा बच्चे को, और उसकी वजह से जब ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड ठीक नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि हार्ट की तरफ जो सर्कुलेशन ने जाना था ऑक्सीजन लेके वो ठीक से नहीं जाएगा, तो हार्ट ना तो पंप सही से करेगा, हार्ट का पंपिंग मैकेनिज्म भी इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और ना तो हार्ट के जो चीजें बंद हो रही थी डक्टस आर्टेरियोसस ये बंद होंगी। एज अ रिजल्ट हार्ट की पंपिंग और खराब हो जाएगी, पंपिंग खराब होगी तो जाहिर सी बात है कि टिश्यूज को ब्लड जो मिल रहा था वो, मैंने जिस तरह बताया कि वेसल्स जो ब्लड लेके आ रही है वो ब्लड लेके ही नहीं आएंगी, तो मजीद पेशेंट को हाइपोक्सिया होगा। तो इसको हम कहते हैं हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंजरी। तो ये वाला जो मैंने आपको बताया ना कंडीशंस न्यू बॉर्न में, कि न्यू बॉर्न जैसे ही पैदा होगा सांस लेगा, अगर नहीं लेता तो उसको जाहिर है एक शुरू में एस्फिक्सिया की स्टेज आएगी, मतलब सही से सांस नहीं लेता, ले रहा है लेकिन जोरदार क्राई नहीं की, सही से ब्रीदिंग नहीं है उसकी, तो डेफिनेट सी बात है कि उसको एस्फिक्सिया फील होगा, और एस्फिक्सिया के रिजल्ट में जब उसकी ऑक्सीजनेशन सही नहीं होगी ब्लड की तो उसका हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसका हार्ट रेट कम हो जाएगा और उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं प्राइमरी एपनिया। अब प्राइमरी एपनिया के अगर हमें नजर आ रहा है और हम वही तौर पर उसको ऑक्सीजन दे देते हैं बाहर से, मतलब वो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन से, या फिर हम उसको स्टिमुलेट करते हैं और उसकी ब्रीदिंग ठीक हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको ये सब कुछ नहीं देते
तो फिर क्या होगा कि वो मजीद गैस्पिंग सिचुएशन में चला जाएगा। गैस्पिंग का मतलब है कि पहले वो सांस ले रहा था इरेगुलरली, अब वो बहुत डीप शैलो ब्रीदिंग करने की कोशिश कर रहा है कि कहीं से उसको ऑक्सीजन मिले, लेकिन उसकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि वो फिर भी रेस्पिरेटरी एफर्ट उसकी नॉर्मल नहीं है। एज अ रिजल्ट मजीद एस्फिक्सिया हो रहा है, मजीद हाइपोक्सिया हो रहा है, मजीद इस्कीमिया हो रहा है, क्योंकि हार्ट की पंपिंग एबिलिटी पे फर्क आ रहा है। ये चीजें उसके ब्रीदिंग रेट को और इरेगुलर कर देंगी, उसका हार्ट रेट भी मजीद फॉल कर जाएगा। उस कंडीशन को कहते हैं सेकेंडरी एपनिया। ठीक है, पहले वाला प्राइमरी एपनिया था और दूसरे वाला जो है ये है सेकेंडरी एपनिया। तो अब आपने पेशेंट को फौरी तौर पे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देनी होती है, जो मैं वो बताऊंगी कि हम किस तरह देते हैं विद मास्क एंड एम्बू बैग, अदरवाइज परमानेंट ब्रेन इंजरी हो सकती है। फौरी तौर पे सबसे पहले आपका ब्रेन ही इंजर होगा एंड देन हार्ट एंड देन बाकी ऑर्गन्स, तो ब्रेन इंजरी परमानेंट हो सकती है, इसलिए आपने फौरन ऑक्सीजन देना होता है। क्योंकि क्लिनिकली प्राइमरी सेकेंडरी एपनिया में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है, तो इसलिए जितने भी पेशेंट्स या जितने भी बच्चे जो गैस्प कर रहे होते हैं, जो सही सांस नहीं ले रहे होते हैं, हम ये कंसीडर करते हैं कि इनको सेकेंडरी एपनिया और हम उनको वेंटिलेशन, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा, आपके पास जब क्वेश्चन आता होता है नियोनेटल रिसेसिटेशन का, तो आपने उसके स्टेप्स में क्या लिखना होता है, तो आपने उसके स्टेप्स में ये लिखना है। ठीक है, सबसे पहले जब आपको एक बच्चा पैदा होगा तो वो डेफिनेटली एक गर्म एनवायरनमेंट से आया होता है, तो आपने उसको हाइपोथर्मिया से बचाना होता है और उसको ड्राई करना होता है, क्योंकि अगर उसकी स्किन गीली रहेगी, वेट रहेगी, तो उसकी अब ऑपरेशन बहुत ज्यादा होगी। ऑपरेशन जितनी ज्यादा होगी उतना बच्चे का टेम्परेचर कम हो जाएगा और वो हाइपोथर्मिया में चला जाएगा। तो हम आइडियली 3 टॉवल्स होने चाहिए। ठीक है, बच्चे को एक होगा जो कि ड्राई करेगा टॉवल, एक साफ करेगा, एक बच्चे को ड्राई करता है और तीसरे में आप बच्चा लपेटते हैं। तो बहरहाल पहला काम आपका होता है ड्राई द बेबी, और उसके साथ आपने उसके सर को भी ड्राई करना होता है, सर पे टोपी पहनानी होती है क्योंकि बालों से उसकी इतनी एवेपोरेशन हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो ड्राई द बेबी एंड उसके बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है फौरी तौर पर, मतलब आप देखा होगा पकड़ती है जैसे ही जो वहां पर अटेंडेंट्स होती है जो कि वो होती है बच्चा जो रिसीव करती है, पेशेंट के अटेंडेंट की बात नहीं करी, वहां जो रखे गए होते हैं अटेंडेंट्स इस काम के लिए, ट्रेनर्स होती है, बच्चा पकड़ के उसको फौरी तौर पर पहले खुश करती हूँ, देन एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, ये 3 चीजें आपने फॉलो करनी है। एयरवे किस तरह से आप देखेंगे कि उसका सारा मुंह खोल के देखेंगे क्लियर है, अगर वैसे तो क्लियर होता है बच्चा खुद ही रोना शुरू कर देता है, नहीं हो रहा तो आपने खोल के लाजमी देखने की उसका एयरवे क्लियर है या नहीं, अगर क्लियर नहीं लग रहा आपको तो उसकी थोड़ा सा स्लाइट एक्सटेंशन करें उसके सर की और सक्शनिंग करें। ठीक है, सीधा लटाएं, स्लाइट सी एक्सटेंशन करें सर की और सक्शन करें मुंह में से, कई बार ऐसा होता है कि मुंह में थोड़ी बहुत सिक्रीशंस रह जाती है उसकी वजह से सांस नहीं आ रहा होता, तो सक्शन करनी है। अगर उसने मेकोनियम लिया हुआ है तो मेकोनियम एक पूरा अलग से टॉपिक है, मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन मेकोनियम में जरूरी नहीं होता हमेशा आपको सक्शन करनी पड़े, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको सक्शन करनी पड़ती है मेकोनियम की अगर बच्चा नहीं रोता तो, लेकिन अगर बच्चा खुद ही रोने लग जाए तो आपको जरूरत नहीं पड़ती। और कभी कभार ऐसा भी होता है मेकोनियम जो है वो आपकी ट्रेकिया में चली जाती है, मतलब सिंपल मुंह में नहीं रहती, ट्रेकिया में जाके फंस जाती है, उस केस में आपको एंडोट्रेकियल ट्यूब पास करके मेकोनियम निकालनी पड़ती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, अगर बच्चा आया है वो फॉरन कराया कर गया दैट्स फाइन, मेकोनियम थी भी तो वो चली गई, अगर नहीं कराया करता आप सबसे पहले उसका ओरल कैविटी को सक्शन करेंगे, फिर उसकी नोज को सक्शन करेंगे, फिर भी क्राई नहीं करता और आपको लग रहा है कि मेकोनियम ही अंदर गई है, तो आप फिर ट्रेकिया से ईटीटी पास करके उसको रिमूव करेंगे। तो ये तो बाहर उस अलग तरीके, तो एयरवे आपने सिक्योर करना है, स्लाइट एक्सटेंडेड पोजिशन में सर को रखना है और पेशेंट को उसके बाद आपने उसकी सिक्रीशंस को रिमूव करना है, और अगर वो तब भी ठीक नहीं होता तो फिर आप जाहिर सी बात है एम्बू बैग एंड वेंटिलेशन स्टार्ट करेंगे, वो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। दूसरी वजह थी ब्रीदिंग, एयर वे देखने के बाद वो क्लियर करने के बाद अब देखने के वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है, एयर वे तो आपने क्लियर कर दिया, सपोज उसके अंदर सिक्रीशंस थी वो आपने सक्शन से निकाल ली, तो सांस अगर ले रहा है तो फाइन, वो रोने लग जाएगा और रोके ही हमको पता चल जाएगा, नहीं ले रहा तो आपने स्टिमुलेट करना है। ठीक है, ड्राई एंड स्टिमुलेट को आपने कभी नहीं भूलना, स्टिमुलेशन देते हैं या तो आप उसके पाओं के नीचे थोड़ा सा स्क्रैच सा करते हैं, मतलब ऐसे हाथ फेरते हैं, या फिर उसकी कमर पे हाथ फेरते हैं, उल्टा लटका के बिल्कुल भी नहीं मारते, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, फजूल बात है वो। ठीक है, तो आपने इस तरह से स्टिमुलेट करना, नॉर्मली बच्चे स्टिमुलेशन पे रोना शुरू कर देते हैं और सांस सही से लेने लग जाते हैं, लेकिन नहीं ले रहे तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन चाहिए। एंड सी सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम चेक होगा हार्ट रेट से, हार्ट रेट मेन है, ब्लड प्रेशर आप उसके बाद चेक कर सकते हैं। ठीक है, हार्ट रेट अगर 100 से ज्यादा होना चाहिए बच्चों का, छोटे बच्चे न्यूनेट्स का हार्ट रेट 100 से ज्यादा, तो 100 से ज्यादा है तो नॉर्मल है, कम है तो हमें सोचना पड़ेगा। अभी हम आगे इसको देख लेते हैं। अब आपके पास आ गया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का आंसर आपने इस तरह से लिखना है कि सबसे पहले यू विल असेस द पेशेंट फॉर क्लियर द सक्शन और एयरवेज, इज देयर एनी मेकोनियम इन द माउथ, इज द देयर इज एनी फीटल डिस्ट्रेस, और द बेबी हैज क्राइड नॉर्मली एंड फुल टर्म बेबी है या नहीं है। ठीक है, ये 4-5 चीजें सबसे पहले लिखते हैं कि आपने ये सोचनी या देखनी है कि ये क्या क्या ये बातें इनमें से ठीक है क्या नहीं है।
उसके बाद आपको आप लिखते हैं इनकी बातों से आगे बातें निकलती है कि अगर सब कुछ नॉर्मल है कि बच्चा जो है वो फुल टर्म है और हार्ट रेट भी 100 से ज्यादा है, क्राई भी उसने अच्छी की है और बाकी बातें भी ठीक है, तो फिर आप क्या करते हैं कि बस उसको नॉर्मली सपोर्टिव केयर दें, ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कराए और घर भेज दें उसके बाद। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि बच्चे को वॉर्म एंड स्टिमुलेट करना होता है, ठीक है। अगर आपका बच्चा खुद ब खुद नहीं रोया तो आप उसको, मैंने जिस तरह बताया कि हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करेंगे एंड स्टिमुलेट करेंगे। अगर वो स्टिमुलेशन में रो पड़ता है तो आप उसके हार्ट रेट को मॉनिटर करेंगे, जब वो 100 से ज्यादा हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी अगर आप वेंटिलेशन करें तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। इफ हार्ट रेट जब इम्प्रूव नहीं होता तो फिर आपने आगे का काम करना है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में यहीं पर इवेल्युएशन में देख लेते हैं। इवेल्युएट आपने दो चीजों के लिए करना होता है, एक होती है आपकी रेस्पिरेटरी एफर्ट और दूसरा होता है हार्ट रेट। कहते हैं कि कलर ऑफ द बेबी को भी आपने देखना होता है, तो तीन मेन चीजें होती है, रेस्पिरेटरी एफर्ट, हार्ट रेट एंड कलर। अब रेस्पिरेटरी एफर्ट की दो तीन बातें हैं, अगर बच्चा निकला है बाहर और खुद ब खुद रो पड़ा है, क्राइड स्पॉन्टेनियसली, तो रेस्पिरेटरी एफर्ट है, इसका मतलब एंड एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, आपने देख लिया एयरवे क्लियर है। अगर बच्चा जो है वो फौरन निकला है और नहीं रोया, बिल्कुल भी नहीं रोया, क्राई की नहीं है, इसका मतलब सबसे पहले आप उसको स्टिमुलेट करेंगे, फौरन से वेंटिलेशन नहीं शुरू करने का कहना, पहले आपने उसको स्टिमुलेट करना है उसी तरह से पांव के नीचे या कमर पे हाथ फेर के। अगर वो स्टिमुलेट होने से भी नहीं रोना शुरू किया तो फिर आप उसकी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुरू करेंगे। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होती है, हमारे पास दो मेन चीजें होती है इसके लिए, एक होता है मास्क। मास्क इसका नॉर्मल ऑक्सीजन मास्क नहीं होता बल्कि स्पेशल सी शेप सा मास्क बना होता है जो बिल्कुल पक्का फिक्स हो जाता है आपके बच्चे के नाक और कान और मुंह के ऊपर, ठीक है। तो मास्क होगा और एम्बू बैग होगा। एम्बू बैग वो बैग होता है जो कि ऐसे आप प्रेस करें तो ऑक्सीजन अंदर जाती है जरा प्रेशर से, ठीक है। 25-30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर का प्रेशर आपने अप्लाई करना होता है, इससे ज्यादा नहीं, और वहां पर लिखा होता है कि किस तरह से आप ये करेंगे। अच्छा जी, तो एम्बू बैग आप कर लेंगे विद फेस मास्क लगाएंगे पेशेंट को पीछे से, एम्बू बैग से ऑक्सीजन देना शुरू कर देंगे, उससे पेशेंट की जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन आप दे रहे हो उससे उसका रेस्पिरेटरी रेट बेहतर हो जाना चाहिए और उसका आपको पता कैसे चलेगा, उसका हार्ट रेट ठीक हो जाएगा, जो साइनोसिस उसको डेवलप हो रहा था वो ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता है तो वेरी गुड, अगर नहीं होता, आपने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन स्टार्ट की हुई और पेशेंट का हार्ट रेट इम्प्रूव बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तो फिर आपने ईटीटी पास करनी है। ईटीटी की कुछ अपनी स्पेशल इंडिकेशन है एंडोट्रिकल इंटीबेशन की, कि या तो आपकी बाग ये वाली बैग एंड मास्क वेंटिलेशन जो है बिल्कुल इनफेक्टिव है, या फिर ईटीटी आप पास करते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि मेकोनियम खाया हुआ है बच्चे ने, ट्रेकिया में फंसा हुआ है, या फिर यू हैव डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, या फिर अगर बच्चे को बहुत लंबे टाइम के लिए मैं पता है वेंटिलेशन चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं होता कि आप उसको पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन लंबे टाइम के लिए दे, तो फिर आप ईटीटी पास करते हैं। तो ये थोड़ी सी इंडिकेशन थी। अच्छा, ये तो होता है रेस्पिरेटरी एफर्ट। अगर उसके बावजूद भी रेस्पिरेटरी एफर्ट शो ना करें ना एंडोट्रेकियल ट्यूब के बावजूद, तो इसका मतलब है कि बच्चा फिर बाकी हमें एवेल्युएट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वो जिंदा ही ना हो। तो हार्ट रेट के लिए आप देखते हैं, हार्ट रेट मैंने बताया आइडियली शुड बी मोर देन 100। अब बच्चे के मामले में हमारे पास टाइम नहीं होता इतना कि हम पूरा एक मिनट हार्ट रेट कैलकुलेट करने लग जाए, या फिर 30 सेकंड्स भी नहीं होते। 30 सेकंड तो हमें डिसीजन करना होता है कि हमें क्या करना है। तो इसमें क्या तरीका होता है एक जानने का, कि अगर आपने सुना है और आपको यू फील हो रहा है ये, ठीक है, इतनी तेज है, तो इसका मतलब होता है कि 100 से ज्यादा है। और अगर आपको फील हो रहा है इस तरह से कि एक सेकेंड के साथ एक बीट आ रही है ऐसे, ये देखिए एक सेकंड जिस तरह गुजरते हैं ना टिक 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 टिक, उस तरह एक बीट आ रही है, इसका मतलब है कि 60 सेकंड्स में, जो एक मिनट में ऑलमोस्ट 60 बीट्स आ रही होंगी, तो 60 बीट्स इज लेस, ठीक है, 100 से ज्यादा होना चाहिए हार्ट रेट, मोर देन 100। और 60-100 के बीच में भी हम पेशेंट को असेस करते हैं अच्छे से, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत सीरियस होता है, 60 से कम तो बहुत ज्यादा सीरियस होता है। तो हार्ट रेट अगर पेशेंट पैदा हुआ है, उसने स्पॉन्टेनियस क्राई की है और आपने ब्रीदिंग एफर्ट शो करा है, तो फिर डेफिनेटली उसका हार्ट रेट भी 100 से ज्यादा होता है, उसमें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। अगर थोड़ा सा उसको उस वक्त सांस में मसला आया था, आपने फौरन से उसकी वेंटिलेशन की थोड़ी सी, हार्ट रेट 100 से ज्यादा था, तो भी आपने कुछ भी और नहीं करना, ठीक है, उसको डिसकंटिन्यू कर दे वेंटिलेशन को भी, और यहां से भी फारिग हो जाएगा। अब अगर प्रॉब्लम आती है हार्ट रेट 60 से 100 के दरमियान में, इसमें भी दो कैटेगरीज है कि हार्ट रेट 60 से 100 के दरमियान में और इंक्रीज कर रहा है पीरियोडिकली, ठीक है, सही से इंक्रीजिंग हार्ट रेट है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो वेंटिलेशन है वो फायदेमंद जा रही है, जब तक हार्ट रेट 100 से ऊपर नहीं हो जाता तो हम वेंटिलेशन करेंगे। अगर हार्ट रेट, ये तो तब की बात है जब 60 से 100 के दरमियान में और बर्ड है, मतलब हमें नजर आ रहा है कि सब ठीक हो रहा है, अगर यही हार्ट रेट 60 से 100 के दरमियान में हो और ना बर्ड हो, नो इंक्रीज, तो फिर हमें सोचना है कि कोई प्रॉब्लम तो है जिसके लिए डेफिनेटली हम
फीमेल्स से भी रिकमेंड होता है कि वो भी अपने टेस्ट कराए और मेल से भी रिकमेंड होते हैं, जिस तरह हमने गायनी में पढ़ा है। तो हार्ट रेट अगर 60 से 100 के दरमियान में है तो इसका मतलब ये है कि वो इंक्रीज नहीं कर रहा। अगर अगर वो इंक्रीज नहीं कर रहा तो इसका मतलब यह है कि आपने अपनी वेंटिलेशन को चेक करना है कि आप ठीक से वेंटिलेशन दे भी रहे हैं या नहीं। उसके लिए एक यहाँ पर निमोनिक जो लिखा हुआ होता है वो है MR सोप, ठीक है, अपनी चेक करने के लिए कि आइदर यू आर डूइंग गुड वेंटिलेशन और नॉट। तो इसमें क्या है जी, M स्टैंड्स फॉर मास्क एडजस्टमेंट, वो देख लें। R स्टैंड्स फॉर रीपोजिशन एयरवे, क्या पता एयरवे गलत हो। S इज फॉर सक्शन माउथ एंड नोज, जो हमने कहा है कि करनी है। O स्टैंड्स फॉर ओपन माउथ एंड P स्टैंड्स फॉर प्रेशर इंक्रीज एंड A इज ऑल्टरनेटिव थेरेपी। मतलब ये आपका एक वो मॉनिटरिंग का तरीका है कि आप देखते हैं कि आइदर योर वेंटिलेशन इज गोइंग राइट और नॉट। और अगर 60 से 100 के दरमियान हार्ट रेट था वो डिक्रीज करे तो आपने ये लाजमी लगा के देखना होगा कि आपकी वेंटिलेशन कैसी है। अगर इंक्रीज करे तो फिर तो ठीक है। अब अगर हार्ट रेट 60 से भी कम है, लेस देन 60 है, तो फिर तो आपने उसको फौरी तौर पर आप पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुरू करेंगे और उसके साथ आप उसको चेस्ट कंप्रेशन भी आप देंगे। अभी तक आपको पता है हम बात करते हैं कि सिर्फ आपने एम्बू बैग और मास्क किया, ठीक है, उसके अलावा हमने कोई चीज नहीं की। लेकिन जब आपने उनका पेशेंट का देखना है कि 60 से कम है हार्ट रेट, ठीक है, 60 से कम का मतलब है बहुत सवेर है, तो फिर आपने लाजमी तो पे एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराना है जिस तरह आप कराते होते हैं। या और साथ आपने पेशेंट की दूसरी जो चीज आई टोल्ड यू कि 60 से कम हार्ट रेट पे आपने फौरी तौर पर चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करनी है। अब चेस्ट कंप्रेशन करने का तरीका यहाँ पर होता है 3:1 रेशियो में, कि 3 टाइम आप कंप्रेशन देंगे चेस्ट पे और 1 टाइम आप एम्बू बैग करेंगे, ठीक है। और करनी आपने इस तरह से होती है कि या तो आप अपनी दो फिंगर लेके जीफी स्टर्नम वाले लेवल पे ऐसे 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 करते हैं प्रेस, ठीक है, या फिर आप पूरा ऐसे चेस्ट को पकड़ते हैं और थंब से आप देते हैं उसको चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन आप कंटिन्यू कर देते हैं 3:1 के रेशियो में, इफेक्टिव चेस्ट कंप्रेशन होनी चाहिए और उसके 3 कंप्रेशन के बाद 1 एम्बू बैग जाता है बच्चे को, और इस सिलसिले से उसका नॉर्मली हार्ट रेट ठीक हो जाता है। इसके बावजूद भी ना हो गए कि 60 से कम है बच्चा और उसका हार्ट रेट तब भी, और आपने वेंटिलेशन भी कर दिया, आप उसकी ये भी कर रहे हैं CPR भी कर रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आपने हार्ट को स्टिमुलेट करने वाली ड्रग्स देनी है जिसमें एपिनेफ्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिनेफ्रीन आप देते हैं जो कि हार्ट को स्टिमुलेट करती है, एंड ऑल्सो उसको एपिनेफ्रीन देने के साथ साथ आप देखेंगे कैसे तो ना उसके ब्लड हुआ वॉल्यूम में कम, तो वॉल्यूम एक्सपेंडर्स भी देते हैं, सोडियम क्लोराइड या फिर और कोई ऐसी चीजें, ताकि ब्लड वॉल्यूम पे अगर कोई मसला है तो वो ठीक हो जाए, ठीक है। देन अगर बच्चे को एक चीज आपने हिस्ट्री में जो डायग्नोज करनी है कि ही किसी किस्म के ड्रग अब्यूज की हिस्ट्री तो नहीं है मदर की, क्योंकि अगर मदर को इवन जीए भी दिया हो ना जनरल एनेस्थीसिया तो भी बच्चे को उसका सेडेशन आ जाती है और नैलोक्सोन हमें देना पड़ता है, तो अगर माँ कोई ड्रग इनटेक के सिलसिले में हुई या स्मोकर भी हुई तो भी हमें नैलोक्सोन देना पड़ सकता है, जिसे ये याद रखना। अच्छा, उसके बाद अगर हमने कहा कि 60 से कम है हार्ट रेट और हमारी वेंटिलेशन एंड कंप्रेशन से इंक्रीज नहीं हो रहा, तो एपिनेफ्रीन देंगे। एपिनेफ्रीन जो है वो उसके तकरीबन पॉजिटिवली इफेक्ट कर जाती है, ठीक है। अगर एपिनेफ्रीन के बावजूद नहीं हो रहा, वॉल्यूम एक्सपेंडर यानी आपने नॉर्मल सलाइन वगैरह भी देके देख लिया कोई फायदा नहीं हो रहा, तो देन आपने फिर चेक करना होता है कि पेशेंट का लाइट रिफ्लेक्स है भी या नहीं, मतलब आइदर इट इज अलाइव और नॉट, क्योंकि अलाइव होगा तो कोई साइन शो करेगा। अगर लाइट रिफ्लेक्स भी एबसेंट है, बच्चा कोई अपनी रेस्पिरेटरी एफर्ट शो नहीं कर रहा, कोई सर्कुलेटरी एफर्ट शो नहीं कर रहा, देन यू हैव ओनली वन ऑप्शन कि बच्चा डेड हो चुका है। तो फिर आप उसके पीपल चेक करते हैं, पीपल्स अगर बायलैटरली नॉन रिएक्टिव है तो वो काफी हद तक सस्पिशन होती है कि बच्चा इज नो मोर। तो आपने जो करना होता है वो यहां तक करना होता है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बता दिया कि हार्ट रेट आपने देख लेना है एंड रेस्पिरेटरी रेट और वेंटिलेशन एंड कंप्रेशन को आपने याद रखने के। तो यहाँ पर बात खत्म करते हैं, किसी को मसला। थैंक यू।